नमस्कार टेक भारतीय यूट्यूब तो चैनल में आपसे का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किसी भी गाड़ी का इंजन नंबर और चेचिस नंबर ऑनलाइन पता करने के बारे में जी हां अगर आप भी यहां पे अपनी गाड़ी का इंजन नंबर और चेचिस नंबर मोबाइल से सिर्फ गाड़ी नंबर के माध्यम से चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं इसके माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि गाड़ी का चेचिस नंबर और इंजन नंबर कैसे पता करें यानी इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप किसी भी गाड़ी का इंजन नंबर या चेचिस नंबर पर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ऐसे माध्यम होते हैं जहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर और चेचिस नंबर तो चेक करना बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन लास्ट फाइव डिजिट आपको नहीं मिल पाता है और ये फाइव डिजिट के लिए कई बार तो होता है कि लोग गाड़ी पर देखने जाते हैं तो वहाँ पर घर सीटा हुआ रहता है या कई बार दिखाई नहीं देता है या कई बार धुंधला हो जाता है जिसके कारण किसी को कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहिए विशेष जानकारी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में तो वहाँ पर सबसे पहले वहीं लास्ट फाइव डिजिट मांगा जाता है अर्थात चेचिस नंबर हो या इंजन नंबर हो और वहीं चेचिस नंबर या इंजन नंबर लोगों के पास नहीं रह पाता जिसके कारण बहुत सारा काम बाधित होता है तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने गाड़ी का लास्ट फाइव डिजिट का चेचिस नंबर इंजन नंबर पता कर सकते हैं अब इसे पता करने के लिए आपको दो मोबाइल अपप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है और दूसरा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है आरटीओ वहीकल इंफॉर्मेशन जी हाँ यहाँ पर देखेंगे आर टीओ व्हीकल इफॉर्मेशन ऐप लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आर टीओ वेहिकल इंफॉर्मेशन ऐप यहाँ पे इसका लोगो में देखेंगे एम एच जीरो फोर करके यहाँ पे आइकन आता है आपको क्या करना है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे इस नाम से मिलता जुलता तो और भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पे एम एच जीरो फोर करके आता है इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है ठीक है और अगर आपको मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो उसको अपडेट कर लेंगे उसके बाद यहां पे ओपन के ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करेंगे जैसे यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स आप यहाँ पे भर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर सी सर्च का ऑप्शन आता है ठीक है होम पेज में और नहीं तो सर्विस में जाएंगे तो दूसरा दूसरा कई ऑप्शन आता है लेकिन आपको यहाँ पे होम पेज में देखेंगे आरसी सर्च का जो ऑप्शन आ रहा है इसी बात आपको एक बार क्लिक कर देना है और इस पर जैसे ही क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है गाड़ी का नंबर डाल देना है ठीक है आपको यहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है सर्च कर देना अर्थात नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे तो इस तरह के पे कनेक्टिंग लिखेगा और कुछ समय पश्चात यहाँ पे एक ऐड आएगा ऊपर में इसको कट करने का ऑप्शन आ जाएगा इसको कट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे पूरा सर्च करके इसका डिटेल्स खुलेगा जैसे ही डिटेल्स खुलेगा उसके बाद इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है ऊपर में आएंगे तो आरसी डिटेल्स अर्थात गाड़ी का मालिक कौन है रजिस्ट्रेशन डेट कब है फाइनेंसर कौन है अगर फाइनेंस पर गाड़ी है तो फाइनेंसर कौन है वो देखने को मिलता है फिर आपको नीचे में आना है और व्हीकल डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर देखने को मिल जाता है ठीक है लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इंजन नंबर है इसका लास्ट फाइव डिजिट कटा हुआ निशान है इस तरह से करके यहाँ पे फाइव डिजिट कटा हुआ है और यहाँ पे चेसिस नंबर भी लास्ट फाइव डिजिट कटा हुआ है और यही पाँचों अंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि बहुत सारे गाड़ी का पूरा डिटेल्स खुलना चाहते हैं तो यही लास्ट फाइव डिजिट मांगा जाता है नौ कि शुरू का नंबर ठीक है और शुरू का नंबर बहुत ही आसानी से कहीं से भी चेक कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आपने चेक कर लिया किसी का भी कर सकते हैं कोई भी गाड़ी हो लेकिन लास्ट फाइव डिजिट चेक नहीं कर पाते हैं तब तो उसे कैसे चेक करें तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में बताने वाला तो उसे चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के फोन पे फोन जिसे कहते हैं, पे पे या इस को ओपन कर लेना अगर आप मोबाइल में पॉलेस इंस्टॉल नहीं तो यहां पर इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद यहां पर अकाउंट बनाकर लॉग इन करें यहां पर स्क्रीन अनलॉक का ऑप्शन आएगा इसको अनलॉक कर देंगे उसके बाद यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जैसे पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह इंटरफेस आएगा उसके बाद आप नीचे तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंश्योरेंस ठीक है तो आपको यहां पे इंश्योरेंस

तो पे जो मैंने चेची नंबर बताया था लास्ट मतलब शुरू का जो प्रथम अंक था उसको आपको नोट कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पे देखिए मैंने अपनी गाड़ी का बाइक नंबर डाल दिया उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरेस्ट फिर आ जाएगा अर्थात डिटेल्स यहाँ पे नीचे में देखेंगे यस सर नो ऑप्शन आता है आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नो के ऑप्शन पर जैसे क्लिक उसके बाद नीचे में देखेंगे व्यू कोर्ड्स का ऑप्शन आता है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक करना उसके बाद यहाँ पे प्लान आ जाता है देख लेना है कि कौन सा प्लान आपको पसंद है अगर नहीं कोई पसंद है तो यहाँ पे क्या कर करना है कोई भी क्लिक करना है जैसे हम आप एस बी आई जेनर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं इस पर जैसे क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी एक्सपायरी डेट आ जाता है उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाता है फिर आपको नीचे में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए एस बी जनरल इंश्योरेंस के बारे में देखने को मिल जाता है ठीक है प्लान कब से कब तक एक्टिव रहेगा उसके बारे में फिर यहाँ पर नीचे में देखेंगे बाइक डिटेल्स इसी बाइक डिटेल्स में यहाँ पर देखिए लास्ट का फाइव डिजिट देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पे चेचिस नंबर इंजन नंबर देखने को मिल जाता है यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको हाइड कर दिया आप लोगों को पूरा डिटेल्स नहीं दिख रहा होगा और नीचे में यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाता है ठीक है यहाँ पे जो लास्ट फाइव चेचिस नंबर और इंजन नंबर देखने को मिलता है इसको जो कट वाला आइकन था अर्थात लास्ट फाइव डिजिट का जो कट वाला आइकन था उस पर एड कर देंगे जैसे चेचिस नंबर का लास्ट फाइव डिजिट है नंबर लास्ट फाइव डिजिट में डाल देंगे और इंजन नंबर का जो लास्ट फाइव डिजिट है यही पांच अंक देखने को आपको मिल जाता है अब सिंपल भाषा में समझे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बाइक अब यहाँ पे देखिए हम बाइक में आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है इंजन नंबर और चेचिस नंबर तो यहाँ पे जो लास्ट फाइव डिजिट कटा हुआ है यही फाइव डिजिट यहाँ पे आपको इस ऑप्शन के माध्यम से देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे देख सकते हैं आपको लास्ट फाइव डिजिट यहाँ पे इंजन नंबर और चेचीज नंबर देखने को मिल जाता है तो इस प्रकार से आप किसी भी गाड़ी का इंजन नंबर और चेची नंबर पता कर सकते हैं आशा कर दर्शक वीडियो पसंद आएगा और ऐसी वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूल तक मिलते फिर किसी से इंटरेस्टिंग और वीडियो साथ